बिग बॉस के 15वें सीजन को हिट बनाने और टीआरपी सुधारने के लिए शो के मेकर्स कोई मौका नहीं छोड़ रहे। वो आए दिन शो में एक के बाद एक ट्विस्ट और नए बदलाव लेकर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, बिग बॉस 15 में हाल ही में कुछ वाइल्ड कार्ड एंट्री भी हुई, लेकिन हाल ही में शो में ऐसा कुछ हुआ जिसके बाद दर्शकों का गुस्सा बुरी तरह फूट पड़ा है। मेकर्स ने हाल ही में बिग बॉस 15 का एक प्रोमो रिलीज किया जिसमें बॉटम 6 में आए कंटेस्टेंट में किसी एक का एलिमिनेशन करना था, लेकिन इस एलिमिनेशन टास्क के लिए मेकर्स ने कॉफिन का इस्तेमाल किया और यह बात दर्शकों को नागवार गुजरी है। उन्हें यह आइडिया बिल्कुल भी रास नहीं आया और वो सोशल मीडिया पर खूब गुस्सा निकाल रहे हैं। एक यूज़र ने इस प्रोमो को देख कमेंट किया, कॉफिन यूज़ करने की क्या ज़रूरत थी, यह अच्छा साइन नहीं है, कॉफिन में मरे हुए लोगों को ले जाया जाता है और यह बहुत ही आपत्तिजनक है। तो वहीं एक दूसरे यूज़र ने लिखा, मुश्किल वक्त में जब पूरी दुनिया में बीमारियां और मौतें हो रही हैं, वहां ऐसी थीम और भी डरावनी है, क्या ओरिजिनलिटी के साथ साथ क्रिएटिविटी भी मर गई है। तो वहीं एक यूज़र का कहना था कि जीते जी किसी को ताबूत में डालना अच्छा नहीं है, मेकर्स को शर्म आनी चाहिए। आपको बता दें कि बिग बॉस सीजन 15 में मीडिया कर्मियों ने ऑडियंस की तरफ से बॉटम 6 कंटेस्टेंट चुने, जिनमें से मनाकपाल, उमर रियाज, विशाल कोटियन, जय भानुशाली, नेहा भसीन और राजीव अदातिया का नाम शामिल है। इनमें से सिम्बा नागपाल को बेघर कर दिया गया है। उन्हें इविक्ट करने के लिए मेकर्स ने ताबूत का इस्तेमाल किया, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी बवाल मचा हुआ है।